The question is, we have to find out the range of the function, which is y is equal to x square minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1. And let's see how we are going to find out the range of the given function. तो देखिए, एक मेथड तो ऑलरेडी मैं एक दूसरे वीडियो में शेयर कर चुका हूं और अभी मैं इसको मैनिपुलेट करके इस फंक्शन की रेंज आपको निकाल के दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इसमें क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस कर रहा हूं और अपन इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स के। अगर आप चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर पे अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पर मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया है। और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लें, और जैसे आप इसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड में आप इसे लिख सकते हैं माइनस के टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के। अब अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास वन बन रहा है, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के। ठीक है, एक चीज आप नोटिस करिए कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो आप इसमें इजिली जीरो सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप x की जगह जीरो सबमिट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आपको वन मिल रही है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन में थोड़ा सा और चेंजेस कर लूं, जैसे मैं इसे अगर लिख देता हूं वन वन माइनस टू अपॉन दिस इज x प्लस वन प्लस वन बाई एक्स, तो मैंने क्या किया हुआ है, ये जो न्यूमरेटर में x है इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन आपका जीरो पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं इस प्रोसेस में आगे जा रहा हूं तो मैंने अपने फंक्शन को चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ डोमेन। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके डोमेन में जीरो आ रहा है, लेकिन मैंने जो अभी नया फंक्शन जनरेट किया है उसका डोमेन में जीरो नहीं आ रहा है। इसका केवल मतलब ये है कि जीरो पे जो आउटपुट आ रहा है जो कि वन है, ये आंसर में आना चाहिए। मे बी हो सकता है कि जब मैं इस फंक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसके आउटपुट में वन ना आए, तो आपको ध्यान रखना है कि जीरो पे जो आउटपुट आ रहा है वो भी कंसीडर करना है। चलिए अभी आगे बात करते हैं, क्योंकि जो नया फंक्शन मैंने जनरेट किया है इट इज फॉर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए अभी हमें इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर बात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की बात करते हैं, मान के चलो ये एक्सप्रेशन मेरे पास है, तो ये हमेशा टू या टू से ज्यादा होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, वही अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन वाले आइडिया को आप यूज कर सकते हैं कि दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन इन्हीं दो नंबरों के ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर या फिर इससे ज्यादा होता है ना। पर ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वैलिड है। इसके अलावा आपको ये बोलना चाहिए कि एक्स प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो के। अब मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके ये एक्सप्रेशन को जनरेट करना जिससे मैं इस फंक्शन की रेंज को क्लेम कर पाऊं। तो मेरा टारगेट अब यही रहेगा कि मैं ये एक्सप्रेशन को धीरे धीरे जनरेट करूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x प्लस वन अपॉन एक्स की अगर मैं बात करूं, ये ग्रेटर इक्वल टू टू है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर मैं इस पे फर्दर काम करूं तो आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू थ्री होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। या फिर अभी मुझे इसको रेसिप्रोकल भी करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो मतलब मैं अगर इसे लिखूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो अपन इसे लिख सकते हैं कि ये डाटा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 3 होगा। लेकिन अभी मुझे इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 1 भी ऐड करना है। ये एक्सप्रेशन को आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे आप इस एक्सप्रेशन को, एक मिनट, यहाँ पे राइट में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। अगर आप देखेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल आपको करना होगा, यहाँ पे ये 1/3 बनेगा, दिस इज एक्चुअली 1/3। तो अभी मैं आपको बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करने से आपको साइन को भी चेंज करना होता है। और अभी हमारा फाइनल कमेंट कि मुझे इसमें वन भी ऐड करना है। तो जैसे आप वन ऐड करेंगे तो ये वन बनेगा, ये वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन है और ये ग्रेटर इक्वल टू 1/3 आ गया। यानी कि मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि अगर मेरे पास एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वाई की जो रेंज है वो मुझे मिल रही है, द रेंज ऑफ वाई इज
वन बाई थ्री से वन का क्लोज ओपन इंटरवल. दिस इज अ रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. अभी एक कंडीशन बाकी है जब आपका एक्स लेस देन जीरो होगा, तो चलिए इस पे भी काम कर लेते हैं. अगर आपके पास एक्स लेस देन जीरो है, लेट एक्स लेस देन जीरो है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू होगा. अगेन द सेम आइडिया कि अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हमेशा माइनस टू या माइनस टू से कम होता है. ये आपको अलग से स्टडी करना चाहिए, ये इसका पार्ट नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ. अभी हमें क्या करना है, इसमें वन ऐड करना है. जैसे मैं वन ऐड करूंगा तो एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस के वन लेस देन इक्वल टू माइनस वन होगा. उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे इसका रेसिप्रोकल भी करना है ना. तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको लिखना होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन जीरो के. अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन फिर से जनरेट करना है. ये वाला एक्सप्रेशन फिर से मुझे जनरेट करना है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू. तो जैसे मैं इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा जीरो. ये आपका लेस देन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड लेस देन इक्वल टू टू के. अभी क्या करना है, वन ऐड करना है. तो जैसे आप वन ऐड करेंगे तो ये बनेगा वन लेस देन वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू थ्री के. अब ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, है ना. लेस देन जीरो के लिए कंडीशन है. तो मैं ये लिख सकता हूं कि वाई आपका ग्रेटर देन वन है और लेस देन इक्वल टू थ्री है फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए. अब सारी कंडीशंस को क्लब करते हैं. देखिए, अगर आप एक्स जीरो लेते हैं तो वाई की वैल्यू वन है. अगर आप एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो वाई आपके पास है वन बाई थ्री से वन का क्लोज ओपन इंटरवल. और इन केस अगर आपका x लेस देन जीरो है तो y आपके पास है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि y आपके पास है, दिस इज 1 से 3 का ओपन क्लोज इंटरवल. और अगर मैं एंटायर डोमेन को यूज करूं बिटवीन माइनस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अगर मैं फंक्शन की रेंज क्लेम करूं तो फंक्शन की रेंज हमारे पास होगी 1 बाई थ्री से 1 का, दैट इज 1 बाई थ्री से 3 का क्लोज इंटरवल. आप चाहें तो इसे एक बार और लिख लें, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज विच इज 1 बाई थ्री टू थ्री क्लोज इंटरवल.